Okay, so one more thing I wanted to ask related to booklet. So you are reading lot of books and you are posting lot of things. So how do you know exactly that what is the audience centric thing, what they want? Are you reading as per them or you are reading as and when it goes? So how are you choosing that matrix? हम सब इंसान हैं, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दुनिया बदल गई है, बड़े बड़े सपने ये वो, बट एट द एंड अंदर से देखा जाए तो हर कोई इंसान ही है। हर किसी की ह्यूमन साइकोलॉजी या बिहेवियर सेम ही होता है। हमें कुछ चीज़ एक्साइट करी या पसंद आई तो वो दूसरों को भी करेगी। तो हम ऐसा देखते हैं कि कौन सी बुक हमें एक्साइट करती, कौन सा टॉपिक, कौन सा किसी की बायोग्राफी, तो हम ट्राई करते हैं उसको समराइज करने के लिए लोगों के लिए। इज द बिगेस्ट फ्लॉ कि हम उधर लाखों के लाखों लोग हैं तो उनके लिए बनाना है। इट्स अ वेरी डेंजरस अप्रोच। दिस अ वंडरफुल बुक रिटन बाय श्रीनिवास राव, ऑडियंस ऑफ वन, एंड दैट बुक चेंज आवर अप्रोच। इसको मेरे से ज़्यादा इसको ये जमता है, मैं कभी कभी भूलता हूँ ये फिलोसॉफी। ऑडियंस ऑफ वन, इट इज ऑलवेज ऑडियंस ऑफ वन। और वो कौन है? हम खुद। अच्छा, जो भी करो खुद के लिए करो और फिर अपने जैसे सब लोग जो है ना उनको पसंद आएगा। वरना तारे जमीन पर जैसी मूवी क्यों हिट होती? हाँ, डिसलेक्सिया ये डिजीज भी पता था क्या हमको मूवी के पहले? नो, ऐसे छोटे से टॉपिक पे मूवी बनाना, क्या आमिर खान ने ये सोचा होगा? ऑडियंस वगैरह नहीं, उसको बस वो पसंद आया स्क्रिप्ट, उसने अपने लिए कर दिया, इट वाज हिट। राइट राइट राइट। सो इट्स ऑलवेज ऑडियंस ऑफ वन। यू आर योर फर्स्ट कस्टमर, यू आर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, अपने खुद के लिए बनाओ पहले, फिर वो लोगों को पसंद आएगा। नहीं भी आया तो खुद ने तो एंजॉय कर लिया। अस वर्सेस दे का सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। अच्छा, दे कोई है? बिकॉज शाहरुख खान वन फैन डजेंट बॉदर अबाउट शाहरुख खान अनदर फैन, ही बॉदर्स ओनली अबाउट शाहरुख खान, बट फॉर शाहरुख खान द लैक्स ऑफ फैंस। इट्स अ फ्लॉड वे। एक्चुअली देयर इज ओनली 1:1 ऑलवेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट राइट राइट। पर वो जब यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल आपको लगता है कि देयर इज अ ह्यूज क्राउड, ह्यूज क्राउड, राइट, बट एक्चुअली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज ओनली 1 पर्सन। यस, क्योंकि बुक पढ़ने वाला तो एक ही बंदा है, बट यस, उसको लोगों को कनेक्ट करना चाहिए वो बुक, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, एंड हाउ डू यू डील विद एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग? बिकॉज लॉट्स ऑफ अ टाइम, मतलब इन जॉब में बोलो या कहीं पे भी, ओवर थिंकिंग क्लिक्स अ लॉट, एंड दैट्स द रीजन यू नो नेटफ्लिक्स इज अ हिट एंड अदर एप्स लाइक अमेजोन प्राइम एंड एवरी थिंग इज अ हिट, बिकॉज ओवर थिंकिंग जा रहा है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यू नो दैट बैड एडिक्शन एक पार्ट हो जाता है, स्मोकिंग वो सब हो जाता है, एंड फिर नेटफ्लिक्स और वो सब आता है। सो हाउ डू यू डील विद दिस? एंड मैंने एक बुक पे पढ़ा था, यस यू कैन चेंज बाय संकेत पाई। उन्होंने क्या बताया था कि एक ऐसा फॉर्मूला उन्होंने खुद क्रिएट किया कि 1:2, जब भी आपको कोई बुरी फिक्र करने की बात या कुछ टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, तो एक बात अगर ऐसी याद आती है तो दो बात ऐसी याद करो जो आपकी लाइफ में अच्छी हुई है। मे बी आपको जॉब मिला हो, करियर में कुछ अच्छा प्रमोशन मिला हो, बिकॉज लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बुरी होगी और होती हैं, बट काफ़ी सी चीज़ें अच्छी भी तो हुई हैं, उसको याद करो। एक बुरी चीज़ के साथ दो चीज़ अच्छी याद करो। ये मैं काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये, और आई थिंक काफ़ी अप्लाइबल भी है। ओके, फॉर मी आई थिंक पहले ऐसा था कि गेटिंग मोर थिंग्स डन इन वन डे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करो, पर उससे इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर वो एक काम है जो रह गया जिससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलने वाली थी और वही मैंने अगर नहीं किया तो वो 10 काम बेकार। तो फाइंड आउट दैट वन। फॉर मी राइट नाउ इट इज राइटिंग माई नेक्स्ट बुक। विच इज योर नेक्स्ट बुक नाउ? सो माई नेक्स्ट बुक इज हाउ टू इम्प्लीमेंट वॉट यू रेड, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ बुक, एंड द सब टाइटल कुड बी रीडिंग एंड नॉट इम्प्लीमेंटिंग इज एज गुड एज नॉट रीडिंग। इट कुड बी वेरी बैड। टीचर बोलते ना कि आज का लेक्चर आप घर जाके अगर रिवाइज नहीं करोगे तो इट इज एज गुड एज नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। राइट राइट राइट। सो इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा टफ जॉब है। तो वो अगर मैं काम आज नहीं करूँ तो शायद आई विल स्लीप एज एन अनसेटिस्फाइड पर्सन, भले ही मैं चाय की पत्ती लेके आऊँ, दूध लेके आऊँ, सब करूँ, राइट, आज शाम की पार्टी एंजॉय करूँ, पर फिर भी आई वोंट बी सेटिस्फाइड। सो इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ चेक्स दैट यू डू ऑन योर टू डू लिस्ट, गेटिंग मोर थिंग्स डन।